आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा सेवा भाव से कार्य करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रतिशोधवश की गई कार्रवाई के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संघर्ष करेगा। यह निर्णय आज जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर के त्रिवेदी की अध्यक्षता में क्वींस इंटर कॉलेज में सम्पन्न जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में स्काउट गाइड की प्रादेशिक संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की प्रादेशिक अध्यक्ष से शिकायत करने वाले संतोष कुमार दीक्षित तथा टीपी सिंह को मनमाने तरीके से सहायक प्रादेशिक कमिश्नर के पद से हटा दिया जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही जिला संगठन संघर्ष कार्यक्रमों का निर्धारण कर संघर्ष करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक मंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र ने आश्चर्य व्यक्त किया कि स्काउट एंड गाइड में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव रहते हुए करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले स्टेट कमिश्नर राजेश मिश्र के विरुद्ध शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर के त्रिवेदी एवं जिला मंत्री महेश चंद ने बताया कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं से स्काउट गाइड शुल्क तथा राज्य सरकार के अनुदान से करोड़ों रुपए की धनराशि प्राप्त होती है, जिसका व्यय छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण तथा जन कल्याण में न कर व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यायुक्त द्वारा नोएडा से लखनऊ आवागमन तथा प्रवास आदि में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि स्काउटिंग सेवा भाव एवं मितव्ययिता सिखाता है। शिक्षक नेताओं ने बताया कि मुख्यायुक्त को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी स्टेट कमिश्नर राजेश मिश्र सलाह देते हैं, जिसे मुख्यायुक्त भी अपरोक्ष रूप से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो रहे हैं। अब स्काउट और गाइड अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और इसीलिए छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण आदि पर जोर न देकर व्यवसायिक दृष्टिकोण के कारण प्रयागराज का प्रशिक्षण केंद्र किराए पर दिया गया है तथा शीतलाखेत स्थित प्रशिक्षण केंद्र को अब गेस्ट हाउस का रूप दिया जा रहा है। आज की बैठक में प्रादेशिक मंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र, जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर के त्रिवेदी, प्रादेशिक मंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, राज्य परिषद सदस्य सुमनलता, अनुराग मिश्र, डॉक्टर पी के पंत, सलाहकार मंडल के संयोजक चंद्र प्रकाश शुक्ल, संघर्ष समिति के संयोजक इनायतुल्ला खां, जिला मंत्री महेश चंद, कोषाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, आय व्यय निरीक्षक मीता श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत मणि, मंजू चौधरी, आलोक पाठक, सुनील श्रीवास्तव, लखनऊ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नवीन प्रकाश मसीह, आजाद मसीह, सुमित अजय दास, डी बी मिश्र, विनीत तिवारी, मनोज कुमार, अखिलेश त्रिपाठी, रजनेश शुक्ल, विनीता श्रीवास्तव, रश्मि सक्सेना, शैलजा गुप्ता, प्रीति वर्मा, रश्मि उपाध्याय, बीरेंद्र त्रिपाठी आज प्रमुख रूप से उपस्थित थे। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। आज की ये बैठक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद लखनऊ की बैठक है, जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर के त्रिवेदी की अध्यक्षता में। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड द्वारा जो बच्चों के शुल्क का करोड़ों रुपए जमा होता है, जो शासन से अनुदान मिलता है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर संस्था में एक स्टेट कमिश्नर स्काउट श्री राजेश मिश्र बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में करोड़ों का घपला करने के लिए FIR दर्ज है।
जो प्रशिक्षण गतिविधियाँ थी वो समाप्त कर दी गई हैं। प्रयागराज स्थित जो प्रशिक्षण केंद्र है उसे किराए दे दिया गया है। शीतलाखेत का जो प्रशिक्षण केंद्र था उसको गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। तो स्काउटिंग की गतिविधियाँ समाप्त कर दी गई, शुल्क बहुत से बढ़ा दिए गए हैं और मनमाने तरीके से। इसके खिलाफ जिन लोगों ने अध्यक्ष स्काउट गाइड पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया था, उन्होंने कार्यवाही के आदेश भी दिए थे, उसको दरकिनार करते हुए संतोष कुमार दीक्षित सहायक प्रादेशिक कमिश्नर थे, कल उनको हटा दिया गया अचानक। इसी के साथ टीपी सिंह जी वो सहायक प्रादेशिक कमिश्नर थे, उनको हटा दिया। जो विरोध कर रहा है उसको हटा दिया गया, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, घोर जिसके दुरा भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो बने हुए हैं। इसलिए लखनऊ जनपद के पदाधिकारियों के बाद बैठक आहूत हुई है और निर्णय लिया गया है कि इसमें संघर्ष किया जाएगा। सबने सहमत दी है और इसकी संघर्ष की रूपरेखा, जो संघर्ष आगे होगा उसकी जल्द ही जिलाध्यक्ष की बैठक बुलाएंगे और संघर्ष जारी करेंगे। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।